अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद राशिद आज जिस सिटी से हाज़िर हूँ वो है टॉप सिटी मुमताज़ सिटी। आज मैंने कहा कि इस सिटी की खूबसूरती देखी जाए और आपको भी मैं इस सिटी की खूबसूरती दिखाता हूँ। हम आगे चलते हैं और साथ साथ खूबसूरती को भी एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है। अभी मैं 26 नंबर से मोटरवे की जानिब चला हूँ। ये रोड जो है सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाता है। अब मैंने तरनौल की तरफ जाना है इसलिए मैं नीचे उतरने वाला हूँ। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखिएगा। यहाँ से न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। अंडरपास से दाखिल होने वाला हूँ। जब जो ही मैं अंडरपास क्रॉस करूँगा टॉप सिटी मुमताज़ सिटी की हदूद स्टार्ट हो जाएगी। ज़रा देख के सामने ये देखिए दोस्तों, टॉप सिटी मुमताज़ सिटी स्टार्ट हो गया है। ब्यूटीफुल लोकेशन है। एक साइड इसकी मुकम्मल तैयार है वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, दूसरी साइड जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो आज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अब मैं जा रहा हूँ, साथ साथ गाड़ी पे बैठा हूँ। सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से बेमिसाल सिटी है। सिक्योरिटी बहुत सख्त है यहाँ की। जिस तरह इस्लामाबाद में एवेन्यूज़ बने हुए हैं, इस शहर में भी उसी तरह एवेन्यूज़ बने हुए हैं। गीगा मॉल है इस शहर में, सुपरमार्केट, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन साइट मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए मुख्तलिफ एवेन्यूज़ बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है। रोड बहुत ही प्यारे रोड हैं इस शहर में, ज़रा आकर देखिएगा आप ही। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है, हल्की हल्की बारिश होने वाली, बादल छाए हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं जा रहा हूँ आगे देखिएगा। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक साइड पर हो रही है, दूसरी साइड मुकम्मल कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लेकिन वो दूसरी किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। बात करते चलें कि ये सिटी किस तरह शानदार रवायात का हामिल है। यहाँ से रिंग रोड मनसूबा तकरीबन 1 किलोमीटर, सी पैक 1 किलोमीटर, एयरपोर्ट 1 किलोमीटर, जदीद सहूलियात, स्कूल सरहद यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब, इस्लामाबाद के एन वस्त में इंडस्ट्रियल स्टेट पार्क चाइना के बिल्कुल करीब, ड्राई पोर्ट्स यहाँ से बिल्कुल करीब है। अब मैं खुदादाद सिटी में इंटर हो चुका हूँ, इसे एयरपोर्ट एनक्लेव सिटी भी बोलते हैं। इसमें उस तरह एवेन्यूज़ नहीं बने हुए जिस तरह टॉप सिटी मुमताज़ सिटी में बनी हुई है, लेकिन खूबसूरती के लिहाज से ये सिटी भी बेमिसाल है। आप ज़रा देखिएगा इस शहर की खूबसूरती। बहुत ही खूबसूरत सिटी बनेगा ये भी फ्यूचर में। जब पहले मैं आया था यहाँ पर कुछ चीज़ें भी नहीं थी, इस दफ़ा इन्होंने बेहतरीन रोड बना दी है। एयरपोर्ट एनक्लेव, मौसम बहुत खूबसूरत है। सामने जो दोस्तों आपको वो दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान चाइना ड्राई पोर्ट है। यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग होती है, रॉ मटेरियल आता है चाइना से और यहाँ से भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ पर कंटेनर्स आकर रुकते हैं। अभी मैं तरनौल दोमा फाटक पे पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर बाद में, ये एयरपोर्ट एनक्लेव सिटी क्रॉस करके।
दोस्तों आपको बताता चलूं कि जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर के बेटे की जो ज़मीनों की पार्टनरशिप है वो भी इसी साइड पे है, रिंग रोड मंसूबा है अहमियत का आमिल, बहुत ही बड़ा मंसूबा है। ट्रैफिक इशू सॉल्व हो जाएंगे, आप यहाँ पर ट्रैफिक उस तरह नहीं रहेगी जब रिंग रोड बन जाएगा। सी पैक यहाँ से गुजर रही है, एयरपोर्ट बिल्कुल साथ करीब है। दोस्तों सिक्योरिटी इशू की वजह से कैमरा मैंने नीचे कर लिया। अभी मैं आगे जाकर आपको सी पैक या रिंग रोड मंसूबे का अटक लूप भी दिखाऊंगा। दोस्तों अभी थोड़े सेकंड बाद जहाँ से नीचे खुदाई हो रही है आप देखिएगा रिंग रोड मंसूबे का अटक लूप और सी पैक मंसूबे यहाँ से पाया तकमील पहुँचेगा तरनौल की तरफ से। ये मैं अब हतार के करीब हूँ, इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगी यहाँ पर। हतार में अभी आकर कंटेनर्स रुकते हैं, वहाँ पर भी लोडिंग अनलोडिंग होती है।